यहाँ पर भाभी अजीब बात कहता है, वो फर्क पर इतने उमा प्रत्यंता
उसका नाम दे लूंगा, लेकिन रिवाजा मिलता है। एक बार आया होने के बाद में कहता है कि ए फिज़ा, तुम्हें जन्नत मुबारक हो। जैसे ही जनाबे फिज़ा को कहा कि ए फिज़ा तुम्हें जन्नत मुबारक हो, तो एक मतलब फिज़ा कहती है ए आने वाले इमाम जमात के तरावी, तू मुझे जन्नत कहना है, मुझे गाली मत देना, मुझे बुरा भला मत कहना, मैं जन्नत का खुद पाती हूँ। मेरे घर में मैं उस घर में हूँ कि किस्मत काकू में जन्नत मौजूद हो, सैयदा शबाब आलम जन्नत मौजूद हो, कसीमुल नारे पर जन्नत मौजूद हो। Ah!
इतना काला सलाम ला रहे हैं खाली बर्तन पूरे कर दिए बच्चे बना के सोता क्या खाना बनेगा अम्मा उठाए नहीं हम खाना खा ले अली घर में आया क्या देखा बातें मजरा सलाम ला रहे हैं ये बातें तो खुदा ने मसूद अली आए आने के बाद मुझे बातें ना आज परेशान नजर आ रहे हैं क्या अली कई दिन से मेरे बच्चों में खाना नहीं इसलिए ये रिवाज समझ लिएगा तो हम खुद अली को पहचान लेंगे उससे पहले हम कंबल को पहचान लें तो अली खुद समझ में आएगा रिवाज तो मिलता है अली कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए हमारा वो अली कि अगर कोई अबू उबैस के पहाड़ को इशारा कर दे तो सोना बन जाए अरे कहते शैतानी मर गया गया यहूदी के बाद जब कोई दरख्त पर को पानी की सिंचाई की वहां से 8 दिरहम लेके चले 8 दिरहम लेके चले जिसका सामने फकीर है मोहताज है उसे 2 दिरहम दे दिया आगे करीब बनता है क्या देखा यतीम मिल गया उसको 2 दिरहम दिया कितने बचे 4 दिरहम बचे उसके बाद जैसे ही करीब आए नजर के जनाबे कंबर मर जाता क्या कंबर परेशान हाथ उठा रहा है खैरियत तो है काम वाला अल्लाह इम्तिहान ले रहा जनाबे कंबर मुझे मौलाना 2 दिरहम दिए जनाबे कंबर बर्दाश्त कर सके मौला पास समझ में नहीं आई इंसान आज की रोटी को कल के लिए रखता है और आप में तो लाखों के आठों दिरहम बाकी मुझे भी दे दिया 2 दिरहम बचे मैंने करीमा बिनते करीम फातिमा जहरा जब आप जाएंगे तो मेरी बीवी आपसे सवाल क्या करेगी हमें कल की रोटी के लिए फिक्र करना चाहिए जनाबे मौला अमीर मोमिन फरमाते कंबल मैं खुदा पे क्या शक करूं जो आज खिला वो कल ना खिला सलावत पढ़िए अगर मोहम्मद अरे हैदरी अल्लाह सलाम ला रहे हैं कि रविशे जिंदगी को देखकर अगर हम शिया सिर्फ सीरत में फातिमा को पहचान ले खुदा की कसम कोई शिया किसी का मोहताज न रहे हमारे सिद्दीक ने हमें हमेशा यही बताया इबादत आप करते आज अगर हमारी घर की अम्मा से पूछो ए अम्मा नमाज क्यों नहीं देता क्या करे बच्चे परेशान करते क्या करे खाना बना के नमाज पढ़े सिद्दीका तारा नमाज भी पढ़ती थी खाना भी बनाती थी हमारे सिद्दीका तारा ने हमें यही बताया कि जब तुम्हारी शैतानी नमाज पढ़ती है तो तुम्हें नमाज पढ़ना चाहिए तो दिमाग जाफर सलाम ने फरमाया ऐसा मिल इमाम हसन इमाम हुसैन आके
होगी कि आखिरी तारीख जिस सूर्य का तारा से जिसने मसा को आदम पर दर्श किए हो उस फातिमा का क्या कहना। सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि जनाबे सिद्दीक का तारा सलाम अलैहा ने कभी अपने जिंदगी में अली को नाराज नहीं किया। आखिर आया और जब बीबी का दर्द पहलू बढ़ा और जब आप बिस्तर रह गया पढ़ाई कर तब अली को बुलाया अबू हसन मेरे सारा ने बैठ जाओ अली जब से मैं तुम्हारी जौजियत में आई हूं कभी फातिमा के किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई। जनाब सिद्दीक तारा को मेरे मौला अल्लाह ने मुश्किलात में कलेजे से लगाया और पहले कहने लगे कि तुम सबसे बड़ी अल्लाह और रसालत की परवरदा कर शहजादी फातिमा क्या बात कर रहे हो। फातिमा तुम मैं तुम पे फख्र करता हूं। जनाबे सिद्दीक तारा ने कहा काली जब मैंने तुम्हारे हाथ को बाकी रखा जब तुम मेरे हाथ को बाकी रखना जब मेरा इंतकाल हो जाए जब मैं दुनिया से उठ जाऊं तो मेरी रात को मेरे जनाबे को रात की तारीखी में उठाना और मेरे दुश्मन को मेरे जनाबे में आने न देना। आखिर जनाबे सिद्दीक तारा का दुश्मन को ना आना इस बात की दलील है कि दुश्मन ने इतनी तकलीफें पहुंचाई इसका तस्करा करना वहां है। एक मलूम अल्लाह उसकी ऊपर नानत हो जाती है। अमीर शाह को खत लिखता है कि मैंने फातिमा पर कैसे कैसे मजाजी को मसाइल डाले। लिखने लगा लिखते 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 रावी लिखता है कि एक मरतबा लिखते लिखते कहता है कि जब मैं फातिमा जहरा के दरवाजे पे गया मैंने सबसे माफ किया शहजादी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद पूछा कौन किस लिए आए हो। एक मतलब शहजादी चाहती थी कि दरवाजा बंद करे तो वो जालिम कहता है अल्लाह की लानत उस पर कि अमीर मैंने क्या देखा कि फातिमा अपने सीधे हाथ को अपनी रिजा से छुपाए हुई। एक मर्तबा मैंने कहा कि नहीं अब फातिमा पे इतना जुर्म नहीं होना चाहिए। मैं चला आते आगे कदम बढ़ाया उसके बाद मुझे शैतान ने इतना वसवसा दिलाया। मैंने कहा कि बद्र हुनैन में इसके शौहर अली ने मेरे आबा जान को खत्म कर दिया है ज्यादा चलो मैं फातिमा को तकलीफ पहुंचाऊंगा कह दी को तकलीफ। वापिस बनता रात में मिलता है इस्लाम के दस गुंडे थे सच गुंडे दस रहकर हमारे कुछ सीनों में कुछ लोग ऐसे हैं मैं क्यों कहते हो आप रहकर अरे सबसे बड़े गुंडे थे सबसे बड़े इस्लाम के चोर थे जिन्होंने इस्लाम को लूटने की कोशिश की। दस गुंडे आए आने के बाद फौरन